दोस्तों, ट्रेड फेयर जैसे कि उत्सव ही होता है जो हर साल मनाया जाता है नवंबर में दिल्ली में। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहता है सुप्रीम कोर्ट। एडल्ट्स के रेट्स अलग रहते हैं और बच्चों के लिए अलग रहते हैं, लेकिन वीकडेज और वीकेंड्स का भी रेट का अंतर रहता है, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे भी मिल जाते हैं टिकट्स और साथ में ही ऑनलाइन भी। सीनियर सिटीजन्स का टिकट नॉर्मली फ्री रहता है। चेकिंग का प्रबंध प्रॉपर रहता है। मैंने विजिट किया सबसे पहले हॉल नंबर 12 जो नियरेस्ट था मेट्रो स्टेशन के। सबसे पहले बहुत ही मज़ा आ गया क्योंकि हर्ष और उल्लास से भरा हुआ था ये हॉल। हम देख पा रहे थे कि हर तरीके के यहाँ पे स्टॉल्स थे, बर्तन से ले के कपड़ों तक, बच्चों के टॉय से ले के खाने पीने की मौज तक। हर्ष और उल्लास से भरा हुआ ये सफ़र था। बहुत ही मज़ा आया क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अलग अलग चीज़ें थी, बिकॉज ये आप बच्चों से ले के बड़े तक, बुज़ुर्गों से ले के कॉलेज गोइंग, सभी के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर था। तो ज़रूर विज़िट कीजिए क्योंकि हर साल ये लगता है और लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे शामिल होती हैं। अलग ही एनर्जी था यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं आगे का व्लॉग। दोस्तों, साथ ही ये एड ऑन करना चाहूँगी कि आपको हॉल्स के बाहर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी मिल जाएगी और साथ में ही वॉशरूम्स की भी। दोस्तों, अभी तक इंजॉय कर रहे हैं इस व्लॉग में तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जब से ये चैनल है तब से तो मेरा कमज़ोरी बन चुका है क्रॉकरी, तो सही रेट्स में मुझे मिले कि मैं कुछ ना कुछ संभाल के ले ही आई। मैं ज़रूर शेयर करूंगी आने वाली वीडियोस में भी कि मैं क्या क्या लाई थी। दोस्तों, यहाँ पे हिंदुस्तान के हर तरफ से यहाँ पे लोग आए हुए थे, जैसे केरल से भी आए थे, राजस्थानी भी थे, कश्मीरी भी थे, तो समझिए आप लोकल रह के भी हर तरफ का आनंद उठा सकते हैं। कारपेट से ले के दरी तक सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। साबुन भी थे, सौंदर्य का सामान भी था, मेकअप की बात भी था, तो सब ने मौज उड़ाई। दोस्तों, हमने तो गच्चक का भी मज़ा उठाया, बहुत ही मज़े की थी यहाँ पे, जो बहुत ही टेस्टी और ऑथेंटिक भी थी। दोस्तों, देखिए ये कितने रंग बिरंगे और सुंदर लग रहे थे। ऐसे ही जिस हम राज्य में जा रहे थे, जिस मर्जी भी स्टॉल में वो अपने राज्य को रिप्रेजेंट करते हुए लोग बहुत ही अच्छे लग रहे थे। दोस्तों, हर किसी के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ था, तो ये था कि आप चाहे परचेजिंग कीजिए, खाइए पिए या फैमिली के लिए कुछ लेके जाइए। बहुत ही मज़ेदार ये एक्सपीरियंस था। दोस्तों, इंटीरियर्स का भी ध्यान लोगों ने रखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे सोफा मेकर्स भी थे बहुत ही बढ़िया, जिनके साथ आप बढ़िया सी डील ले सकते थे। दोस्तों, मैं अपने चैनल पे व्लॉग्स और कुकिंग की रेसिपीज लाती रहती हूँ, तो पसंद करें अभी तक वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बार्गेन बहुत बढ़िया हो जाता है, तो अगर टेक्निक जानते हैं बार्गेन का तो ज़रूर ऐसा मौका नहीं जाने दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे तो ऐसे आइटम्स थे कि घर तो घर, गाड़ी का भी अच्छे से इंतज़ाम हो सकता है, आप साफ़ सफाई रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सा सामान था। दोस्तों यहाँ पे इतने बढ़िया डील थे कि मैं भी खूब सारा सामान उठा लाई, तो ज़रूर यहाँ पे विज़िट कीजिएगा। पसंद कर रहे हैं अभी तक वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली वीडियोस के लिए भी बने रहेंगे, क्योंकि मैं आगे भी ट्रेड फेयर का भी और व्लॉग लाऊंगी और मेरे चैनल पे व्लॉग्स आते रहते हैं, साथ में ही मैं रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ। दोस्तों अंडर वन रूफ कौन सा ब्रांड नहीं था, हर एक ब्रांड था। मैं बताना चाहूँगी कि पहले 5 दिन ट्रेड फेयर के रहते हैं बिजनेस डेज, उसके बाद में रहता है जनरल पब्लिक के लिए खुला हुआ, तो जब भी बुकिंग कराएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे कलर एसेंस का भी था, अयूर का भी था, वॉट एवर ब्रांड यू कैन थिंक ऑफ यहाँ पे अवेलेबल थे। दोस्तों पसंद करें अभी तक वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा, अभी तक आपने नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों ब्रेकफास्ट तो हमने किया था, लेकिन इस हॉल के कंप्लीशन तक हमें हल्की हल्की भूख लग गई थी, तो हमने सोचा कि चलो घर से जो सामान लाए हैं वो भी पहले इंजॉय करते हैं, फिर फूड कोर्ट का खाना भी लाजवाब रहता ही है। सबसे पहले हम लेके गए थे ऑरेंजेस और कुछ खाना भी, घर से लाए थे ऑरेंजेस तो पहले सोचा यही इंजॉय करते हैं। दोस्तों पसंद किया आज का व्लॉग तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो के लिए बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।